नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 दिवसीय राजकीय मंदार महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सूबे के भूमि सुधार मंत्री ने फीता काट कर किया उद्घाटन। बुधवार को मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार। तिलकुट और कतरनी की खुशबू से भागलपुर का बाजार हुआ गुलजार। एनआरसी और सीए के समर्थन में मंत्री अश्विनी चौबे ने चलाया जनसंपर्क अभियान। विपक्ष पर लगाया लोगों को भ्रमित करने का आरोप। 19 जनवरी को भागलपुर में बनेगी 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। अभियान की सफलता को लेकर शिक्षा विभाग ने की बैठक। और दरिद्र नारायण भोज में लोगों की उमड़ी भीड़। स्वर्णकार संघ ने कहा, मानव की सेवा सबसे बड़ा धर्म। अब समाचार विस्तार से। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की नींव पर आधारित राजकीय मंदार महोत्सव बौसी मेला का आयोजन मंगलवार को रंगारंग आगाज के साथ शुरू हो गया। मंदार महोत्सव का उद्घाटन सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने फीता काटकर एवं दीप जलाकर किया। इस दौरान पारंपरिक नृत्य, मंगलाचरण और स्वागत गान के साथ ऐतिहासिक मंदार की सुनहरी छटा देखने को मिली। महोत्सव को संबोधित करते हुए मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि बौसी मेला के मुख्य मंच को अस्थायी बनाया जाएगा, साथ ही मार्च से पूर्व रोपवे का उद्घाटन करने की बात कही। मंत्री ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य की भी जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि मंदार मेला के स्वरूप को बदलने और इसे भव्य बनाने में भूमि सुधार मंत्री का सराहनीय योगदान रहा है। वहीं बांका डीएम कुंदन कुमार ने मंदार के पावन इतिहास का जिक्र करते हुए बांका के गौरव को देश दुनिया में आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम को अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी, राज्य महिला आयोग की सदस्य निक्की हेम्ब्रम एवं प्रखंड प्रमुख बाबूराम बॉस्की ने संबोधित किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने की। बुधवार को मकर संक्रांति मनाया जाएगा, इसको लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। मंगलवार को भागलपुर में एक तरफ जहां तिलकुट का बाजार गर्म रहा, वहीं दूसरी तरफ पर्व को लेकर लोग कतरनी चूड़ा, तिलवाल, लाय और दही की जमकर खरीदारी करते दिखे। तिल, गुड़ और कतरनी चूड़ा की सौंधी खुशबू से मुख्य बाजार समेत फुटपाथ का बाजार भी गुलजार नजर आया। आइए हम आपको दिखाते हैं मकर संक्रांति को लेकर किस तरह अंग प्रदेश भागलपुर का बाजार सज धज कर तैयार है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। यह त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। हालांकि परंपरानुसार कुछ लोग आज भी इस त्यौहार को मना रहे हैं। तिलकुट का बाजार जो है वह भागलपुर में काफ़ी गर्म है। तिलकुट की जो सौंधी खुशबू है वह इस बाजार में देखी जा सकती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राहकों की भीड़ है। ग्राहक तिलकुट, तिलवा, दही और जो चूड़ा होता है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार है, उनसे बात करेंगे कि इस बार कैसा मार्केट है, कैसा सर बाजार चल रहा है। इस बार मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किस किस रेट का आपके पास उपलब्ध है? तिलकुट जो है 200 रुपया से लेके 500 रुपया तक का कुआ वाला, ऐसे जनरल जो है 200 रुपया से स्टार्टिंग होता है, 200-250। तो दुकानदारों का कहना है कि इस बार जो है तो बिक्री सामान्य रही है, जैसी पिछले साल बिक्री हुई थी तिलकुट की, तिलवा की, वैसी ही बिक्री इस बार है। हालांकि रेट में कुछ उतार चढ़ाव जरूर हुआ है। प्रतिदिन भागलपुर में जो दही बिकती थी वो 80 से 100 रुपये किलो के बीच बिकती थी, लेकिन इस बार लगभग 20 रुपये का की बढ़ोतरी हुई है इसमें। हमारे साथ दुकानदार हैं, दही विक्रेता हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर कैसी बिक्री है इस बार, बताइए। बिक्री ठीक ठाक है सर, ऐसी कोई खास बात है नहीं। 20 रुपये बढ़ोतरी इसलिए कि दूध में कुछ दाम में कुछ बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से हम लोग भी 20 रुपया डिफरेंस किए हैं। पर अब में ज़्यादा हम लोग ज़्यादा ग्राहक से ले ऐसी कोई बात नहीं है, 12 महीने की दुकानदारी है हम लोग। अब हम पहुंच चुके हैं भागलपुर के चूड़ा बाजार में, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से कतरनी चूड़ा की बिक्री हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो कतरनी चूड़ा है इसमें काफ़ी सुगंध है और भागलपुर का कतरनी चूड़ा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से माल बाहर जाता है, यहाँ का चूड़ा दूसरे जगह निर्यात होता है। हमारे साथ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कैसी बिक्री है इस बार चूड़े की? मिला जुला के ठीक ही है। कैसे बेच रहे हैं, कैसे किलो बेच रहे हैं? बढ़िया चूड़ा है, 70 रुपये किलो। और किस किस रेट का चूड़ा है आपके पास? और फिर इसी का डुप्लीकेट आता है जो संभाव के नाम से जानते हैं। 50 रुपये।
मकर संक्रांति का त्यौहार हो और इसमें लड़वा चूड़ा और लाए ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे साथ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार जो है तो लाए की कैसी बिक्री रही है। बताइए चाची, कैसा बिक्री रहा है इस बार? ठीक है। क्या क्या चीज़ का लाए बनाते हैं? चूड़ा और मुरी का और तिल का। वो 5 किलो। कैसा कैसे लोग खरीदता है इसको? तो खरीदता है। कैसा बिक्री कैसा रहा, पहले से अच्छा रहा या कम रहा? हर एक साल वैसे मिलजुल कर खाते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, यही तो भारत की संस्कृति है, यही भारत की परंपरा है। मकर संक्रांति को लेकर के हमने आपको भागलपुर के मार्केट का हाल दिखाया कि किस तरीके से भागलपुर का बाजार जो है तो गुलजार है और लोग तिलवा तिलकुट की जमकर खरीदारी कर रहे हैं और कतरनी चूड़ा की आप जो तस्वीर देख रहे हैं, हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार बेचने में व्यस्त हैं और लोग ग्राहकों की काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है दुकान पर। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ नाम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से महादेव तालाब कुतुबगंज में जनसंपर्क सभा का आयोजन किया गया। जनसंपर्क सभा का नेतृत्व ईश्वर नगर मंडल अध्यक्ष शशि मोदी ने किया। सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरी तरह से देश के हित में है, इसका विरोध करना विरोधी पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सा है। वहीं भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे द्वारा सभा में मौजूद सभी सदस्यों को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि यह बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। वहीं इसके पूर्व ईश्वर नगर मंडल अध्यक्ष शशि मोदी के द्वारा ठंड से बचाव के लिए गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच सैकड़ों कंबल का वितरण किया गया। मौके पर उमा भूषण, गोलू तिवारी, सुधाकर मंडल, बब्बन मिश्रा, गोलू मोदी, उदय तिवारी, रिंकू मोदी, रुपेश मोदी, मोहन यादव, अरविंद यादव, गुड्डू शुक्ला, पंकज सिंह एवं अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये बातें भारत का ये भाई संविधान संशोधन है और NRC की बात बाद में सोची जाएगी, उसके लिए अलग विचार है। NRC का बात अभी नहीं है, अभी भारतीय संविधान का जो आपको ये नागरिक संशोधन जो है, नागरिक संविधान का, उसकी बात है। उसमें सब पार्टी, जदयू, भाजपा सब इंटैक्ट हैं। और जो भारत के सबसे बड़ी बात कि हमने चुनाव में जो वादा किया था वो हमने पूरी तरह से चुनाव के पहले जनता के सामने रखा था कि जब मैं आऊँगा पूरे बहुमत के साथ तो हम नागरिकता संशोधन कानून लाएंगे। हम 300 धारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 है उसको बदलेंगे। जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से 19 जनवरी को विशाल मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। वहीं भागलपुर में 360 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 7 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने का अनुमान है। 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, जनसंपर्क विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम समेत कई सरकारी, गैर सरकारी और सामाजिक संगठन लगातार कार्य कर रहा है। वहीं मानव श्रृंखला को बनाने और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूली बच्चों को शामिल करने के लिए जिला स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जनार्दन विश्वास ने की। बैठक में सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी, BRP, KRP, नगर निगम के CRCC, तालीमी मरकज एवं सभी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में DPO जनार्दन विश्वास ने कहा कि 19 जनवरी को चंपा नाला पुल से 0 माइल तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें कक्षा 4 के बाद के छात्र शामिल होंगे। इस दौरान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्देश दिया गया। वहीं नगर निगम के PRO सत्येंद्र वर्मा ने DRDA परिसर में होने वाली बैठक, प्रभात फेरी, साइकिल रैली समेत कई तरह के जन जागरूकता अभियान की जानकारी दी और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। मौके पर सबीहा फैज, रेनू कुमारी, मोहम्मद चांदली, श्याम कली, वीरेंद्र कुमार समेत शिक्षा विभाग से जुड़े कई लोग मौजूद थे। भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से मंगलवार को सोनापट्टी में दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाली दरिद्र नारायण भोज में काफी संख्या में समाज के गरीब और वंचित लोगों ने शिरकत की।
वहीं स्वर्णकार संघ की ओर से दिव्यांग बुजुर्ग और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। संघ की ओर से रामनंदी देवी अनाथालय तथा नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों के बीच भी भोजन वितरित किया गया। वहीं संस्था के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा ने कहा कि वर्ष 1934 से भागलपुर में इस तरह के भोज का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर सचिव संजय पोद्दार, रंजीत शाह, बजरंग पोद्दार, छोटू शाह समेत कई सदस्य और स्वर्ण व्यवसायी मौजूद थे। भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से दरिद्र नारायण भोज एवं कम्बल वितरण का आयोजन यह विगत सन 1934 ईस्वी से होता आ रहा है निरंतर, और जिसको आज तक हम लोग प्रत्येक साल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाए जा रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। और इस कार्यक्रम को करने में भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ के सभी सदस्यों का तन मन धन से योगदान रहता है, और हम लोग हमारी कमेटी आगे बढ़कर सबसे सहयोग लेकर इस कार्यक्रम को किया जाता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योजना घर एवं शारदा झुंझुनवाला महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 16 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्वच्छ महिला, समृद्ध महिला और जल जीवन हरियाली अभियान पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन चुनहरी टोला स्थित शारदा झुंझुनवाला कॉलेज में किया जाएगा। वहीं सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में सदर एसडीओ आशीष नारायण समेत कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। योजना घर संस्था के अध्यक्ष मानव केजरीवाल ने कहा कि स्वच्छ महिला और स्वस्थ महिला के बिना देश की उन्नति संभव नहीं है, जबकि सचिव सुमित जी लोखा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए जल जीवन हरियाली अभियान की जमकर प्रशंसा की और आम लोगों से प्रोग्राम में आने की अपील की। मानव केजरीवाल ने कहा कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोमा यादव समेत कई समाजसेवी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सरकार के द्वारा 1 रुपए में जो सैनिटरी पैड अवेलेबल होता है वो हम लोग उसके बारे में जागरूकता अभियान वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के छात्राओं को और वहाँ के शिक्षकों को देंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। योजना घर के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे देश के लिए महिला और एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा जो हरियाली है, जो जीवन में जो इसका जो महत्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे ये अपील करना चाहेंगे हमारे भागलपुर की जनता से कि वो सभी कोई 16 तारीख को शारदा झुंझुनवाला कॉलेज में आए। भागलपुर के लहेरी टोला स्थित स्थानीय दल्लू बाबू धर्मशाला में गरीबों के सहायतार्थ चलने वाले प्रभु राम की रसोई का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन ने किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने समाज के गरीब एवं वंचित लोगों के बीच खिचड़ी और तिलकुट का वितरण किया। सांसद ने कहा कि समाज सेवी अशोक जीवराजिका के सौजन्य से संचालित प्रभु राम की रसोई विगत कई महीने से चल रही है, जिसमें गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। इस दौरान भोजन के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। मौके पर विनोद केडिया, अशोक जीवराज का, पंकज टंडन, हंसराज बैताला सहित कई लोग मौजूद थे। सबसे पहले अशोक जीवराजिका जी का आज जन्मदिन है, मैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां देती हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और उन्होंने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर यूं तो ये हमेशा यहाँ पे खाना जो है गरीबों को मिलता है वो
12:30 बजे से 2:30 बजे तक के बीच में जितने भी गरीब लोग आते हैं गुल्लू बाबू धर्मशाला में खाने का आयोजन किया जाता है। सहयोग राशि के रूप में 10 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन आज जो खाना परोसा जा रहा है इन लोगों को, वो भाई अशोक जी विराजिका का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य पर आज वो इन लोगों को खाना गरीबों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। राज्य व्यापी मानव श्रृंखला अभियान को सफल बनाने के लिए मंगलवार को सन्हौला प्रखंड के मध्य विद्यालय अरार से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। सनोला वीडियो के नेतृत्व में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली गंगारामपुर हुकमा सनोखर तेलहौंदा भखरी होते हुए विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान रैली में शामिल शिक्षकों ने 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला निर्माण में भाग लेने की अपील ग्रामीणों से की। सनोला वीडियो ने कहा कि जल और हरियाली मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो ने प्रखंड के लोगों को मानव श्रृंखला की कड़ी बनने के लिए जागरूक किया। मौके पर प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह, सुनील कुमार शुक्ला, अजीत कुमार, परमेश्वर दयाल, ओम प्रकाश शर्मा, दिलीप कुमार, सुभाष चंद्र पासवान सहित काफी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। अहमदिया मुस्लिम समुदाय की ओर से तारापुर के खानपुर मिल्खी गांव में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। हेल्थ कैंप में 200 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। डॉक्टर फहीम अख्तर और डॉक्टर फैज ने लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय की जाँच की और उचित परामर्श दिया। वहीं अहमदिया समुदाय के मौलाना नवेदुल फतेह ने कहा कि मानवीय सेवा को ध्यान में रखते हुए निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। मौके पर डीएसपी रमेश कुमार, मोहम्मद साहिद, यासीन खान समेत कई लोग मौजूद थे। हम फ्री में जो एलोपैथी का और होम्योपैथी का लगाए हैं, तो डॉक्टर्स भी फ्री में आके लोगों को दिखाए हैं। इससे वो लोग फायदा खासतौर पर उठाए हैं जो कि गरीब लोग हैं। इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉय भी आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे और सरपंच और जो भी बड़े बड़े प्रभारी हैं। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास मोड़ के समीप दो ऑटो के बीच सीधी टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो पर सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे मधुसूदनपुर पुलिस ने इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल सोमवार की देर शाम घने कोहरे के कारण सुल्तानगंज की ओर से आ रही ऑटो सामने से आ रही दूसरी ऑटो से टकरा गया। घटना में दोनों ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ऑटो को जब्त कर लिया है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 दिवसीय राजकीय मंदार महोत्सव का हुआ शुभारंभ, सूबे के भूमि सुधार मंत्री ने फीता काट कर किया उद्घाटन। बुधवार को मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार, तिलकुट और कतरनी की खुशबू से भागलपुर का बाजार हुआ गुलजार। एनआरसी और सीए के समर्थन में मंत्री अश्विनी चौबे ने चलाया जनसंपर्क अभियान, विपक्ष पर लगाया लोगों को भ्रमित करने का आरोप। 19 जनवरी को भागलपुर में बनेगी 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला, अभियान की सफलता को लेकर शिक्षा विभाग ने की बैठक। और दरिद्र नारायण भोज में लोगों की उमड़ी भीड़, स्वर्णकार संघ ने कहा मानव की सेवा सबसे बड़ा धर्म। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।